बड़वा में क्राइसिस मैनेजमेंट की एक बैठक हुई। इस बैठक में अनुविभागीय अधिकारियों ने बताया कि शहर में कोरोना संक्रमण तेजी के साथ फैल रहा है, इसलिए इस रविवार को भी नगर में लॉकडाउन रहेगा। बड़वा अधिकारी ने बैठक में कहा कि सभी नागरिक और दुकानदार स्वयं आगे आकर शासन के नियमों का पालन करेंगे तो प्रशासन द्वारा भी सख्ती ना करते हुए जनता को हर संभव मदद की जाएगी और आगामी आदेश तक रविवार को लॉकडाउन ही रहेगा। 28 मार्च को लॉकडाउन होने के कारण होलिका दहन को सांकेतिक रूप से मनाए जाने की अनुमति दी जा सकेगी। बैठक में SDOP मानसिंह ठाकुर ने बताया कि रेस्टोरेंट और भोजनालय में बैठकर खाने पर प्रतिबंध रहेगा, जबकि पार्सल बनाकर भोजन की व्यवस्था जारी रहेगी। प्रत्येक रविवार को आगामी आदेश तक यात्री बसों का संचालन भी बंद रहेगा, साथ ही होली पर नर्मदा स्नान पर भी प्रतिबंध रहेगा। बैठक में थाना प्रभारी संजय द्विवेदी, नगर पालिका CMO प्रेम वासुरे, सनावत CMO बलिराम भूरे और नायाब तहसीलदार TVISK सहित चंद्रपाल सिंह तोमर, निखिलेश खंडेलवाल और मनीष शर्मा आदि मौजूद थे। बड़वा से लोकेंद्र परिहार की रिपोर्ट। देखिए, जो जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक हुई थी 25 मार्च को और जो शासन से नवीनतम निर्देश हमें प्राप्त हुए उसके परिप्रेक्ष्य में ही आज बैठक ली गई। निर्णय लगभग सभी वही हैं जो जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में हुए हैं, जैसे रविवार को लॉकडाउन रहेगा, 31 मार्च तक सभी हमारे शैक्षणिक संस्थान जो स्कूल कॉलेज हैं वो बंद रहेंगे, उसके बाद मास्क को लेकर एक कैंपेनिंग हम जागरूकता का अभियान चला रहे हैं और उसमें अपेक्षा है कि हमें बड़वा अनुभाग में जनता का सहयोग मिलेगा और जो लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं उन पर चालानी कार्रवाई भी हम करेंगे और साथ में जो लॉकडाउन होना है, जो नियत लॉकडाउन है हमारा संडे का, उसको हम सफल रूप से बनाएंगे। सर, लॉकडाउन के दौरान किस तरह की छूट मिल सकती है और किन किन लोगों को? देखिए, लॉकडाउन के ये लॉकडाउन लगभग उसी प्रवृत्ति का प्रकृति का है जैसा कि पहले लॉकडाउन हुआ करते थे। इसमें जिन्हें छूट मिलती थी, जैसे हमारी मेडिकल की दुकान है, राशन की दुकान है, पेट्रोल पंप की दुकान है, उन्हें छूट मिलेगी। और एक और जो पॉइंट है मैं आपको बता दूँ, यदि कोई प्रतियोगिता परीक्षा पहले से आयोजित होना है या कोई परीक्षा आयोजित होना है तो यथावत आयोजित होगी, उसमें किसी प्रकार का कोई फेरबदल नहीं होगा और उनमें जो विद्यार्थी जो भाग ले रहे हैं वो अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाएं, एडमिट कार्ड दिखा के वो भाग लेंगे। सर, रात में 8 बजे दुकान बंद करने को लेकर जनप्रतिनिधियों ने मांग की है प्रशासन से कि उसको 1 घंटा बढ़ाया जाए, इस पर क्या प्रयास है? देखिए, अभी जो हमारे कोरोना का नंबर है, जो प्रतिदिन मरीज आ रहे हैं, वो थोड़ी सी संख्या बढ़ी है कुछ दिनों में, 3-4 दिन में, और जैसे ही ये ग्राफ नीचे जाएगा, संख्या कम होगी, हम लोग जो है साथ में फिर एक बैठक करेंगे और सहूलियतें या जो भी समय में छूट है वो दे देंगे।